लिए बनाऊंगी इनसाइड सैंडविच अपसाइड पिज्ज़ा। इसके लिए मैंने ये फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, 1 टेबल स्पून। अब मैं इसमें ये 1/2 टी स्पून जीरा डाल दूंगी और तेल गरम होने से पहले ही मैं इसमें 1 टी स्पून डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, हसबे जायका नमक, पिसा हुआ जीरा 1 टी स्पून, हल्दी 1/2 टी स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टी स्पून। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको भूनूंगी मसाले को, क्योंकि ये सूखे मसाले आपको पता है जल जाएंगे, इसलिए मैं इसको भूनूंगी। फिर इसमें मैं श्रेडेड चिकन डाल दूंगी। ये इसका देखिए ऑयल सेपरेट हो गया, मसाला भून गया, तो अब मैं इसमें दोबारा थोड़ा सा पानी डालूंगी क्योंकि मैं अभी चिकन को जो है वो शामिल करने जा रही हूँ। तो ये जो है बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी चिकन पानी मिलाने से। इसमें थोड़ा सा पानी मिला रही हूँ मैं। अब जो है मैं इसमें ये 200 ग्राम चिकन है इसको मैंने सिंपल बॉईल कर लिया था इस नमक और जिंजर गार्लिक डाल के, और उसको श्रेड कर लिया है। अब मैं इसको उसके साथ मिक्स कर लूँगी, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। इसमें थोड़ा सा और पानी डालूंगी ताकि ड्राई ना लगे, क्योंकि इसको हमने सैंडविच में डालना है तो फिर ये सैंडविच भी ड्राई लगेंगे अगर ये ड्राई हो गया तो। इसको थोड़ा हमने सॉफ्ट रखना है, तो अच्छे से मिला दूँ मैं। बस ये भून गया, क्योंकि चिकन तो पहले से बॉयल थी, मसाले को मैंने पहले भून लिया था, फिर मैंने बॉयल्ड चिकन डाली थी इसके अंदर। तो ये देखें, ये बस ज़रा इसके अंदर मॉइस्चर है बाकी, तो बस इसको मैं अब ठंडा करने के लिए, इसका इसका मॉइस्चर बाकी है इसमें, बस ऐसे ही मैं इसको प्लेट में निकाल दूँगी ठंडा करने के लिए। फिर अब हम सब्ज़ियाँ भी जो हैं वो अलग से बनाएंगे। अच्छा, ये सब्जियों के लिए मैंने दूसरे पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। इसमें मैं ये शिमला मिर्च डाल दूँगी, एक बड़े साइज़ की, फ्रीज की हुई है ये मेरे पास, एक मीडियम साइज़ का प्याज ये डाल दूँगी। इसको हमने इतना ज़्यादा नहीं पकाना, इसको बस जस्ट सॉफ्ट साइड पर लेकर आना है इसको। और हसबे जायका काली मिर्च इसमें डालूँगी, नमक हसबे जायका, 1/2 टी स्पून गार्लिक पाउडर ये डालूँगी। अगर आपके पास नहीं है गार्लिक पाउडर तो आप स्किप करें, घर में जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मौजूद होता है, आप उसकी जगह पे वो डाल दें। अच्छा, अब मैं इसको बस इसको जस्ट मैंने सिर्फ सॉफ्ट ही करना है, इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। ये देखें सब्ज़ियाँ नरम हो गई हैं, और इसके जो प्याज के जो मैंने अच्छे काटे थे वो भी अलहदा हो गए। ठीक है, बस ऐसे ही मुझे चाहिए थी। अब इसको भी मैं अलग प्लेट में निकाल लूँगी ताकि ठंडा हो जाए। चले, अब हम सैंडविचेस को असेंबल करना शुरू करते हैं। अच्छा, इसके लिए ये मैंने केचप ले लिया है और ये मायोनीज़ है। ये केचप के अंदर भी जो है मैं थोड़ा फ्लेवर दूंगी। इसके लिए मैंने कूटी हुई लाल मिर्चें और गार्लिक पाउडर ले लिया है। आप चाहें तो इसमें फ्लेवर दें, नहीं चाहें तो ना दें। इसको मैं मिक्स कर लूँगी। और ये इसके लिए मोज़रेला चीज़ ली है, बटर है, और ये चिकन जो मैंने आपके सामने बनाई थी वो है, और ये सब्जियां हैं, और ये ऊपर से मैं ऑलिव्स डालूंगी। ठीक है, चले मैं असेंबल करना शुरू करती हूँ। अच्छा, हमने दोनों साइडों पे जो है ये अप और डाउन वाली जो स्लाइसेस हैं इसमें बस 1 टीस्पून लगाना है, ज़्यादा मायोनीज नहीं लगाना, यानी 1 टीस्पून अप और अप एंड डाउन साइड वाली जो स्लाइसेज हैं उस पर पूरा आ जाए, इतना कीजिएगा। अब मैं ये सब पे मायोनीज लगाती हूँ, फिर आगे बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या है। मायोनीज कम लगाने इसलिए बोल रही हूँ ताकि बस चिकन जो है इसके अंदर इसके साथ एडजस्ट हो जाए, वो बिखरे नहीं, और बाकी चीज़ों में भी इतना फ्लेवर है कि हर चीज़ का फ्लेवर आना चाहिए, इसलिए मायोनीज को ज़्यादा भर भर के ना लगाएं। इसलिए मैं कह रही हूँ सिर्फ 1 टीस्पून है जो दो साइडों की स्लाइसिस में लगाएँ। ये मायोनीज लगता है सबसे। अब मैं इस पर चिकन की फिलिंग करूँगी, चिकन को स्प्रेड कर दूंगी इस पर इवनली सारी स्लाइसेस पे। अच्छा, ये नीचे वाली जो तीनों स्लाइसेस हैं सैंडविच की, इस पर मैंने सिर्फ चिकन स्प्रेड कर दिए। अब ये दूसरा वाली जो है मैंने इसको सादा रखा है, इसको इसके ऊपर पलट दूंगी। तो ये हो गए सैंडविच तैयार, इनसाइड सैंडविच।
अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे कि इसका जो अप साइड है इस पर हम लोग मक्खन स्प्रेड करेंगे। इस तरह से अपन मक्खन स्प्रेड कर लेंगे और ये अप साइड जो है वो डाउन चला जाएगा, अप साइड डाउन हम लोग इसको पैन में सेकेंगे। सही है, मैं इस पर सब जो है वो बटर लगा लूँगी। फिर जब ये हम डाल देंगे पैन में अपसाइड डाउन, तो फिर उसके जो पिछला वाला हिस्सा है वो सादा ही रखना है, हमें उस पर मक्खन ही लगाना है। लेकिन पैन में डालने के बाद हम उस पर जो है पिज़्ज़ा की टॉपिंग करेंगे। जो पिज़्ज़ा पर टॉपिंग होती है, जैसे ये सारी चीज़ें पड़ी हुई ये पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स हैं, तो ये हम बाद में टॉपिंग करेंगे पैन में डालने के बाद। अच्छा, ये पैन मैंने पहले से गर्म करने रख दिया था। ये देखें अप साइड पे जो मैंने बटर लगाया था, अब इसको मैं डाउन कर दूंगी। इस तरह से इसको सेकेंगे हम, ठीक है। और ये दूसरा वाला भी डाल दूंगी, दूसरा भी डाल दूंगी। अब इस पे हम जो है पिज़्ज़ा की टॉपिंग करेंगे। ये केचप जो मैंने आपको बताया था फ्लेवर कुक किया था मैंने इसको, इसमें कूटी हुई मिर्चें और गार्लिक पाउडर डाल के ये अप साइड पे लगाएंगे हम, ठीक है। आपको जितना चाहिए लगाएं, आप माशाल्लाह अपनी मर्जी के मालिक हैं। और जो चाहें इसमें आप फ्लेवर दे सकते हैं अपनी मर्जी से, माशाल्लाह सब एक्सपर्ट हैं, किचन क्वीन हैं अपने अपने घर की, तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी इसमें फ्लेवर्स दे सकती हैं। अब मैं इसके ऊपर जो है सब्जियों की टॉपिंग करूँगी, ये सब्जियों की टॉपिंग कर दूँगी इसके ऊपर। अब मैं इस पे ये मोज़रेला चीज़ है 200 ग्राम ये ले लिया है, ये थोड़ी थोड़ी डाल दूंगी इसके ऊपर मैं। और सब कुछ इसके अंदर पका हुआ है, हमने जस्ट ये चीज़ मेल्ट होने तक इसको पकाना है। आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें जल्दी जल्दी, और दुआओं में याद रखें, ये बहुत पसंद आएगा आप लोगों को। और इंशाल्लाह मैं और भी नई नई रेसिपीज लेकर आती रहूँगी आप लोग के लिए। अच्छा, और ये इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल करूँगी, ये है ओरिगानो और ये कूटी हुई मिर्ची। ये टोटली ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आप लोग डालें, आपकी मर्ज़ी है ना डालें, फिर मैं कहूँगी आप लोग अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, जो फ्लेवर आप लोगों को देना है इसमें दें, ठीक है ना। ये थोड़ा थोड़ा मैं डालूँगी। अब मैं इस पर जो है ऑलिव डालूँगी चंद, कम लग रहा है मुझे। और जस्ट हम इसको इसकी चीज़ मेल्ट होने तक इसको पकाएंगे 2 मिनट, फिर मैं इसको डिश आउट करके आपको बताती हूँ। चलें 5 मिनट हो गए, अब हम इसको खोल के देखेंगे। ये देखिए मैंने इसको स्लो चूल्हे पे ही रखा था, क्योंकि फिर ये पैन में बना रही हूँ तो मैं नीचे से जल ना जाए, तो इस ये देखिए ऊपर से चीज़ भी मेल्ट हो गई है, तमाम चीज़ें पकी हुई हैं, बस काफ़ी है ये। अब मैं इसको जो है डिश आउट करके बताती हूँ और उसको काट के भी आपको बताऊंगी। ये मज़ेदार इनसाइड सैंडविच आउटसाइड पिज़्ज़ा बनके तैयार है। ये देखिए नीचे से भी इसका कितना प्यारा कलर आया है, ठीक है ना। इसे आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा। इसके साथ ये मैंने केचप सर्व किया है, और पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर कीजिएगा। जल्दी दुआओं में याद रखिएगा, फिर लौट कर आऊँगी किसी नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।